यूपी पुलिस भर्ती को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। आखिर क्यों नहीं जारी की गई नोटिफिकेशन, सच्चाई आ गई सामने। अभ्यर्थियों ने लिखा सीएम योगी को पत्र, यूपी पुलिस की बात योगी तक पहुंची, अब योगी लेंगे बड़ा फैसला। अगर आपकी आयु सीमा ज्यादा हो गई है तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। योगी देने जा रहे हैं आयु सीमा में छूट। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले आ गई बड़ी जानकारी सामने, कई लाख इच्छुक अभ्यर्थी करेंगे शिरकत। युवाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, यूपी पुलिस की भर्ती के लिए इंतजार खत्म। इस दिन आएगा नोटिफिकेशन, फिर शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे युवा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वो आवेदन कर सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को 52,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है। लाखों अभ्यर्थी इसके लिए एक एक दिन गिनकर इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ यूपी पुलिस में पहली बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी पुलिस में इस भर्ती को लेकर युवाओं के बेसब्री से इंतजार के पीछे बड़ी वजह है। दरअसल पहले कहा गया था कि 52,000 कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 15 जुलाई 2023 तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस आधार पर उम्मीद की जा रही थी कि 15 जुलाई या फिर उसके आसपास नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा की बात करें तो पुरुषों के लिए समान वर्ग के 18 से 22, ओबीसी के 18 से 28 और एससी एसटी के 18 से 28 उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जबकि महिलाओं में सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 31 और एससी एसटी के लिए 18 से 31 उम्र की सीमा निर्धारित की गई है। आरक्षित जाति में ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष का आरक्षण भी दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी पुलिस में 52,000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती का यह मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुका है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने आयु सीमा में छूट मांगने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख डाला है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये बताया है कि साल 2018 के बाद एक भी बार यूपी पुलिस सिपाही भर्ती नहीं आई है, जिसके चलते कई लाखों युवा ओवर एज हो गए हैं। इसलिए उन सभी कैंडिडेटों के भविष्य को देखते हुए आयु सीमा की गणना साल 2018 से की जाए, फिर उन्हें 5 साल की छूट दी जाए। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी भर्ती में आयु सीमा के मामले को लेकर बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने बात की थी। सिपाही भर्ती रिक्रूटमेंट के लिए जनरल कैटेगरी की आयु सीमा 18 से 23 साल होती है, लेकिन काफी लंबे समय से भर्ती न आने के कारण कई कैंडिडेट ओवर एज हो चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने सीएम के समक्ष यह अनुरोध किया कि इन ओवर एज कैंडिडेट के हित में फैसला लें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही 52,299 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए 15 जुलाई 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस बारे में किसी भी प्रकार की आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सभी उम्मीदवार इस भर्ती की आस लगाए हुए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूचना जारी होने के बाद कैंडिडेट इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अनुमान के माने तो अनुमान के मुताबिक यूपी पुलिस की इस भर्ती में करीब 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वैसे यूपी पुलिस भर्ती को लेकर आप कितने बेसब्र हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जेटी न्यूज को पेज को फॉलो करना ना भूलें।